नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब सूचना में। दोस्तों, हम फिर से हाजिर हो गए हैं आपके लिए टीचिंग जॉब से रिलेटेड अपडेट लेकर। तो ये जो वैकेंसी आ रही है, ये आ रही है हमारी सैनिक स्कूल की तरफ से। ये रेगुलर बेसिस की वैकेंसी भी हैं और कुछ इसमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की वैकेंसीज भी हैं। तो आप वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखें, जिससे कि सारी डिटेल्स आप तक पहुंच सके। और हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले टीचिंग जॉब से रिलेटेड और अदर गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट हैं, वैकेंसी कितनी है और क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए और क्या आपको यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है। तो सबसे पहले हमारा TGT सोशल साइंस अनरिजर्व कैटेगरी से है, वन पोस्ट है, रेगुलर है, जी हाँ, ये परमानेंट टीचर वैकेंसी है। एज आपकी होनी चाहिए 21 से 35 वर्ष के बीच में, 1 नवंबर 2021 के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आपको ग्रेजुएट में ज्योग्राफी और एक अदर सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, हिस्ट्री कम से कम 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए। उसके साथ आपकी बीएड होनी चाहिए, सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए आपका। डिजायरेबल में यह दिया हुआ है कि 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाने का। और आपको सैलरी यहाँ पे मिलने वाली है 44,900 रुपये पर मंथ, 7 पे कमीशन के अनुसार यहाँ पे। और आपकी इसके साथ साथ जो भी TADA होता है वो भी मिलेगा, क्योंकि तो रेगुलर पोस्ट है। उसके बाद है हमारा TGT मैथ्स, ये भी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, वन पोस्ट है, रेगुलर। एज होनी चाहिए आपकी 21 से 35 ईयर्स के बीच में, 1 नवंबर 2021 के अकॉर्डिंग। ग्रेजुएशन होना चाहिए मैथ्स में 50% मार्क्स के साथ। उसके साथ बीएड होना चाहिए मैथमेटिक्स में, सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। यहाँ डिजायरेबल में दिया हुआ है कि 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इंग्लिश मीडियम पब्लिक स्कूल में। और आपको प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए इंग्लिश वर्बल एंड रिटन में। सैलरी आपको मिलने वाली है 44,900 रुपये पर मंथ। उसके बाद यहाँ है जनरल एम्प्लॉय, रेगुलर पोस्ट है, ये भी अनरिजर्व। 3 वैकेंसीज हैं यहाँ पे। एज होनी चाहिए 18 से 50 साल के बीच में, 1 नवंबर 2021 के अकॉर्डिंग। असेंशियल में यहाँ पे दिया हुआ है क्वालिफिकेशन में कि आप मैट्रिक्स पास होने चाहिए या इसके इक्वल। डिजायरेबल में यहाँ पे दिया हुआ है कि 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका। सैलरी मिलने वाली है 18,000 पर मंथ लेवल 1 के अकॉर्डिंग। उसके बाद हमारा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे टीचर्स की वैकेंसी है। उसके बाद जनरल एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्चुअल पे है, 14 वैकेंसी है यहाँ पे। ST की 1 है, SC की 2 है, OBC की 3 है और जनरल की 8 है। एज होनी चाहिए 18 से 50 साल के बीच में, 1 नवंबर 2021 के अकॉर्डिंग। असेंशियल क्वालिफिकेशन में यह दिया है कि मैट्रिक्स पास होना चाहिए, उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से या सेंट्रल गवर्नमेंट से। डिजायरेबल में दिया हुआ है कि 5 साल का एक्सपीरियंस है यदि आपको, तो प्रेफरेंस दी जाएगी और सैलरी मिलेगी 12,000 पर मंथ। उसके बाद है PEM PTI कम मैटरन, ये फीमेल की है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे ही है, वन पोस्ट है। एज होनी चाहिए 21 से 35 वर्ष के बीच में, 1 नवंबर 2021 के अकॉर्डिंग। असेंशियल में दिया हुआ है कि मैट्रिक्स पास होना चाहिए आपका पैक्स, और जिस कैंडिडेट को हॉस्टल वार्डन का एक्सपीरियंस होगा उसे प्रेफरेंस दी जाएगी। डिजायरेबल में यह दिया हुआ है कि बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन BPED 4 ईयर डिग्री कोर्स और 3 ईयर ग्रेजुएशन प्लस 1 ईयर BPED डिप्लोमा और BSc फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स प्लस 1 ईयर BPED डिप्लोमा में दिया हुआ है मैटरन वर्क एक्सपीरियंस इन रेजिडेंशियल स्कूल। और यहाँ पर सैलरी आपको दी जाएगी 15,000 पर मंथ। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन दी हुई है, आप यहाँ से सभी चेक कर लेंगे, आप यहां से देख लेंगे। और यहां पे दिया हुआ है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, तो वो यह सब यहां पे दिया हुआ है, आप यहां से डिटेल में चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस जो रहने वाली है आपकी, वो रहने वाली है 500 रुपये है। और लास्ट डेट दी हुई है जो रिसिप्ट की है, वो है 3 दिसंबर 2021 तक आपको ये फिल करना है। और ये केवल स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा आपको करना है, कोई भी एप्लीकेशन ईमेल के द्वारा या बाई हैंड जो जमा करवाते हैं उसके द्वारा नहीं ली जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म इसके साथ दिया हुआ है, यहाँ से आप इसका प्रिंट लेके इसे फिल करके अप्लाई कर सकते हैं। देते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, जहाँ से आपको ये एप्लीकेशन मिलेगी और आप अप्लाई कर सकते हैं। सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़, ये आपको सर्च करना है। और तो सबसे ऊपर ही आपको एडवर्टाइजमेंट दिख जाएगी, इस पर आपको क्लिक करना है। ये आप क्लिक करेंगे, आपके पास अगला पेज ओपन हो जाएगा।
से नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे देखिए एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करने का ऑप्शन है आपके पास। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे से आपकी एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी। तो जो जो इच्छुक कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ की तरफ से IV रेगुलर और कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स की वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे भी इसी तरह टीचिंग जॉब से रिलेटेड अपडेट पाने के लिए या अदर गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जल्दी से जल्दी अपडेट आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।